गुड मॉर्निंग, भारद्वाज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम H.TET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो आने वाले हैं, हर एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेंगे और होप इनमें से पांच छह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सिंप्लीफिकेशन से ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 अंडर रूट 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 84। 18 गुणा 14 गुणा एक्स का वर्गमूल बराबर है 84 के, तो आपने सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको तोड़ लीजिएगा, 9 इंटू 2, ये 2 इंटू 7 और ये हो जाएगा आपका एक्स और इधर है 84। तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 3 और ये 2 दो बार है तो ये भी बार आ गया, तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, 7 इंटू 6 और इक्वल टू 84। अब ये दोनों नंबर जो हैं मल्टीप्लाई में है, यानी कि 6 है 3 टू जा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू एक्स 84, 3 टू जा 6 इधर आके डिवाइड, कैंसिलेशन करोगे तो ये आ गया आपका 14। तो अंडर रूट 7x बराबर है 14 और 7x बराबर है, मैं ऊपर कर देता हूं इसको, अंडर रूट 7x बराबर है 14 और 7x हो जाएगा 14 का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर रूट उधर जाके स्केयर हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 196 और x इज इक्वल टू 196 बाई 7। 7 × 14 = 56, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 28। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, थ्री बाई फाइव, फोर बाई सेवन, 8/9, इनमें से बड़ा कौन सा है? विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हैं हम इनको, और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में दोनों जगह ही एक एक नंबर है, तो आप क्या कर लो, ऊपर एक एक जीरो लगा लो थोड़ी देर के लिए और अब इसे डिवाइड कर दो बस। 5 × 31 यानी कि 6 के आसपास, यानी कि इतना मान सकते हो आगे। 7 से करोगे तो 7 × 5 = 35, बचेगा कितना 5, 57 57 के राउंड हो गया। इससे डिवाइड करोगे 9 × 72 = 82। तो देखिए ये आ गया 88, ये आया 57 और ये आया 60। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ये पूछा है ना, तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, 60 बड़ा है, 57 या 88, तो सबसे बड़ा कौन है, 88। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 88, यानी कि 8/9 सबसे बड़ा है। समझ आया? अगला टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 + 1/3 + 1/4, ये बहुत बार आता है सवाल पेपर में। देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इसको लिखूं 2 = x + 1/1 + 1/, इसको करोगे तो 4 × 3 = 12 और 1 13/4 बन जाएगा ये, फिर हो जाएगा 2 = x + 1/1 + 1, ये देखिए बाई में बाई है तो ये रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4/13। और अब आप इसको सॉल्व करो आगे, 2 = x + इसको कैलकुलेट करो अब, 13 × 13 = 4 = 17, यानी कि 1/17/13 भाई। 2 = x + रिवर्स हो जाएगा 13 बटे
17। अब दो में से इसको घटा दो, 13/17 को बराबर x, तो 17 × 34, 34 में से 13 गया तो 21/17, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 21/17। ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। चलिए एक है x/16, 196/x, ये सारे पेपर में आया क्वेश्चन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 16 × 196, 196 आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 को तोड़ दो, 4 × 4 कह सकते हो और इसको 14 × 14 कह सकते हो, तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 × 4 और 14 × 14, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, ये 4 डबल है रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा, ये 14 भी डबल है बाहर आ जाएगा, तो 14 × 4 = 56, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला एक इसमें 6 × 6 / 6 / 3 ये, तो इसमें क्या रूल लगेगा, देखिए भाई डिवाइड जो करते हैं, अगर इस तरह का कोई सवाल आए तो डिवाइड के बाद जितने भी नंबर है वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6 × 1/6 × 3, 6 से कैंसिल आउट करोगे, 1 × 1 = 3, तो ये आ जाएगा 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह से करिए फटाफट, सारा मैं लगभग सारा रिवाइज करवा दूंगा। ये अगला है, यदि ए बी से 2 अधिक हो, ए बी से 2 अधिक है और B C से 10 अधिक है, से 10 अधिक है तथा A प्लस बी प्लस सी 130 है, तो आपने बताना है कि B प्लस सी माइनस A इसका वैल्यू कितना है, तो अलजेब्रा में से उठाया इस सवाल को। देखिए क्या कह रहा है, A B से 2 अधिक है, यानी कि A जो है वो B प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। दूसरा B, यहां पे सॉर्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, B C से 10 अधिक है, यानी कि B इज इक्वल टू C प्लस 10, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे दोनों इक्वेशन में कौन सा नंबर कम, और तीसरी इक्वेशन में क्या लिखा है इसने कि A प्लस बी प्लस सी 130 है, तीन इक्वेशन दिया है हमारे पास, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इनमें से ए बी सी, या तो बी को ए या ए में कन्वर्ट करेंगे, बी को बी और सी को बी, या सी को सभी को सी में कन्वर्ट करेंगे या सभी को ए में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ की सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी टर्म में, ए की टर्म में। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा ए माइनस 2 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर एक। इधर से आपका वैल्यू b इज इक्वल टू सी प्लस 2 दिया ही है यहां पे इक्वेशन नंबर 2, तो b की वैल्यू मैंने किस में कन्वर्ट कर ली, यहां पे c में। देखिए ध्यान से, b की जगह आप क्या रख दो, c प्लस 10, और b की जगह यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस 2, तो ये भी b के बराबर है और ये भी b के बराबर है, इसका मतलब
a माइनस टू इज इक्वल टू c प्लस टेन, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a की वैल्यू हो गई आपकी c प्लस ट्वेल्व। तो a का वैल्यू c प्लस ट्वेल्व है, b का वैल्यू c प्लस टेन है, तो उठा के और b की वैल्यू यहाँ रख दो, तो a का वैल्यू है c प्लस टेन, तो a की जगह रख दो c प्लस ट्वेल्व, प्लस b की जगह आप रख दो c प्लस टेन, प्लस ये c ऑलरेडी है और ये 130, तो c और c और c 3c हो गया है, 12 और 10 22 हो गया है और बराबर 130। तो 3c की वैल्यू हो जाएगी 130 में से 22 घटा दो, तो 3c बराबर हो गया 108 और c बराबर हो गया 36 आ गया भाई। तो c का वैल्यू 36 आ गया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ से भी b की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि b इसके भी बराबर है और b इसके भी बराबर है, तो दोनों को बराबर रख लिया, तो ये c में कन्वर्ट हो गया, उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ पे c का मान आ गया है, अगर c की वैल्यू आ गया तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a बराबर है c प्लस ट्वेल्व, यानी कि c की जगह रख दो 36 प्लस 12, तो कितना आ गया आपका 48, ठीक है। तो इसके बाद आपका ए सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है, बी जो है वो है सी प्लस टेन, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सी आपका 36 है और प्लस 10, तो ये हो गया 46, तो उठा के यहाँ रख दीजिए, बी आपका 36 है, सी आपका, बी भी आपका सॉरी बी 46 है, सी आपका 36 है और ए आपका कितना आया है, ये 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में सी की आ गई, ये बी की आ गई, 1 की वैल्यू 48। तो 6 माइनस 2, तो खोला जाए तो 48 40 माइनस 2, तो ये हो गया 34 आंसर हो गया भाई। चलिए साफ कर देते हैं, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है कुछ जो अलजेब्रा से ऑलमोस्टली पूछे जाते हैं, दो चार इसमें नहीं है, बार बार पूछे जाते हैं, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स आपके सामने दिया है 4 और आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर बताओ, तो इसका सीधा सा आंसर होगा जो नंबर है उसका स्क्वेयर करके उसमें से 2 माइनस कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और आपको निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वेयर माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 23। दूसरा माइनस हो सकता है यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 और आपको निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो इसमें हो जाएगा 4 का स्क्वेयर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि उसमें माइनस 2 हुआ था इसमें प्लस 2, माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा। क्यूब पूछ लेता है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो सीधा सा लॉजिक है जो नंबर है आपके पास यहाँ पे उसका क्यूब कर दो, इनका क्यूब कर दिया तो इसका भी क्यूब कर दो, और माइनस में 3, ये 3 फिक्स है और ये जो नंबर होगा ये गुणा में कर देना, 64 माइनस 12, तो इसका उत्तर होगा 52। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो आंसर क्या होगा 5 का तो कर दो क्या क्यूब और इसी नंबर का 3 गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15, तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 110। फटाफट रिपीटेशन हो जाएगा बस सभी का, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 4 दिया है, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछे आपसे, तो क्या करना 4 का क्यूब, देखो माइनस था तो प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस हुआ है, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3 गुणा में यही नंबर, 64 प्लस 12, तो आपका उत्तर आएगा 76। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब,
तो इसमें क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 15 140। कई बार ऐसे पूछ लेता है x प्लस 1 बटा x बराबर 5, बताइए x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि इसको सीधा इसमें बदला जा सके, इसको ब्रेक करिए, ये बनेगा x प्लस 1 बटा x और x माइनस 1 बटा x, इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 बटा x की तो वैल्यू है ही आपके पास, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x माइनस 1 बटा x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे होगा भाई, अब मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ कि अगर x प्लस 1 बटा x दिया हो तो उसको सीधा x माइनस 1 बटा x में कैसे बदला जाता है। ट्रिक है सीधी, इसका स्क्वायर कर देना, आपको यहाँ पे क्या सिंबल नजर आ रहा है, माइनस, तो माइनस का 4 कर देना और इसका स्क्वायर रूट कर देना, सीधा वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 बटा x 25 माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट तो रूट 21 ये आ जाएगा भाई। देखिए सीधा सा लॉजिक है, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना, ये 4 फिक्स है, ये फार्मूले से आया, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अब हम रिपीटेशन कर रहे हैं फटाफट, बस इसको सीधा याद रख लीजिए कि आपने 4 प्लस करना है या माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो सीधा माइनस 4 और अगर आपको प्लस चाहिए तो प्लस 4। तो आपका उत्तर हो गया भाई, इसका वैल्यू तो इन्होंने दे ही रखा है कि 5 और इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 21, तो आपका आंसर हो गया 5 रूट 21, ये सीधा आंसर हो गया। सिंपलीफिकेशन में एक क्वेश्चन और है कि 0.0025 प्लस अंडर रूट 2.25, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, एक बार इसको आप 25 समझिए, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 4, तो नीचे 10,000 कर दीजिए, प्लस इसको आप 225 समझिए, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे 100 करिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, प्लस 225 का वर्गमूल 15 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 100, ये होगा 5 और ये कितना हो जाएगा भाई, 150, 10 से डिवाइड करोगे तो उत्तर आ जाएगा 155 बटे 100, यानी कि 1.55, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे आता है, देखिए सिंपलीफिकेशन के सवाल चल रहे हैं, ये जितने करवा दूंगा, जेबीटी हो चाहे टीजीटी हो, उसमें से बाहर से नहीं आएगा सवाल, सिंपलीफिकेशन यहीं से मिल जाएगा बस आपको। 9/4 की x, और इसमें सारा होगा आगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एजिस, रेशो और टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे अभी करवाऊंगा मैं, दो दो तीन तीन सभी से लूंगा, ये कर लेना बस काफी है, 6-7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। इनटू 8/27 इसकी पावर है एक्स माइनस 1 बराबर है 2/3। ठीक है, देखिए ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जिसके ऊपर पावर एक्स है हमें यह देखना होता है कि इसका बेसिक फॉर्म क्या बनेगी, सबसे बेसिक फॉर्म। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्म क्या बनेगा, तो इसका बेसिक फॉर्म बनेगा 3/2 की पावर 2, क्योंकि 9 का 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4, और उसके ऊपर पावर फिर कितनी है x, 8 का बनेगा 2 की पावर 3 और 27 बनेगा 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 2/3, इसकी पावर 1 मानी जाएगी। अब देखिए
थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ये बन गया 3/2 की पावर 2x, ये बन गया, तीन से गुणा कर लेंगे हम इसकी, 3/1 ही बात है, ये मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, सॉरी ये इकट्ठा कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2/3 की पावर, 3 गुणा में कर दो इसको, 3x-3, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर तो गुणा होती है, और ये हो जाएगा 2/3 की पावर 1। अब एक्चुअल में सभी का बेस एक जैसा करना होता है, तो यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, लेकिन यहाँ पे 3/2 है। तो इसका सीधा सरल ये होता है, अगर आपको हर जगह 2/3 चाहिए तो ये उलटना पड़ेगा आपको, और जैसे ही आप बेस को उलटते हो तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे पावर प्लस की थी तो -2x हो जाएगा, समझ आएगी बात सबको। तो x ये हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर हो जाएगी 3x-3 और ये हो जाएगा 2/3 की पावर 1। अब आप आराम से देख सकते हैं सबका बेस कैसा है, सेम है, सबका बेस एक जैसा है, तो बेस को हटा देंगे, बेस को हटा देंगे तो बेस को खत्म, समझ गए, ये जो बेस है ये हट जाएगा, बेस हट गया तो बचेगा क्या। देखिए आपको एक रूल का पता होगा कि x की पावर 3 और गुणा में x की पावर 4 हो तो हम कहते हैं x की पावर 3+4, यानी कि बेस अगर एक जैसा है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा है भी x की पावर 7/4 तो हम कहते हैं x की पावर 7-4, यानी कि डिवाइड के बाद जो पावर है वो क्या हो जाती है, चिन्ह बदल लेती है अपना, ठीक है। डिवाइड अगर बीच में तो क्या हो जाता है, बाद वाला नंबर माइनस हो जाता है, गुणा है बीच में तो बाद वाला नंबर पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे गुणा का निशान देखे वो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड का निशान हो जाए तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बीच में सिर्फ क्या है, गुणा है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये पावर लिखनी है बस, अब -2x, ये गुणा का निशान है तो अगला जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 3x-3 और बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, ठीक है भाई। तो माइनस का तो 2x है और प्लस का 3x है, तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और -3/1 और x इज इक्वल टू 4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल है अलजेब्रा से उठाया इन्होंने, x²-6xy+9y²-25। देखिए ये जो पूरा नंबर है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे 3y का स्क्वेयर है और बीच में क्या है, -2xy, यानी कि ये किसी का स्क्वेयर है और ये स्क्वेयर किसका है, x-3y का स्क्वेयर है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x का स्क्वायर और यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा a²+b²-2ab, तो ये पूरा का पूरा किसका है भाई, ये इसको खोलोगे तो यही बनेगा। अंदाजा कहाँ से पता चलेगा, इस नंबर से, क्योंकि ये 3y का होल स्क्वायर है, 9y² जो, ठीक है। और माइनस का 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, तो ये पूरे का पूरा को a मानोगे और इसको मानोगे आप b, और ये क्या बन गया, a²-b²। तो फार्मूला क्या होता है भाई a²-b² का, वो होता है a+b और a-b, यानी कि ये तो पूरा है और प्लस में ये, यानी कि हम ऐसे x-3y और +5, और इसको ये मानेंगे x-3y-5, तो ये आपका आंसर है, ये फैक्टर उसने दे रखे थे, तो ये आपका आंसर। तो ये तो तुम लिए मैंने कुछ सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे आते हैं किसमें, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं एरिया से, एरिया और मेंसुरेशन से। तो देखिए एरिया में मैं यहाँ पे साथ में लिखवाता जाऊँगा फार्मूला भी, मेरे पास सारा फार्मूला लिखवाने का टाइम नहीं है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करते जाएंगे। फार्मूले याद कर लेना, फार्मूले आप याद कर लेना, त्रिभुज के
आयत वर्ग और समचतुर्भुज का, वृत्त का, गोले का, सिलेंडर का, घन और घनाभ का। ये 10-12 फार्मूले हैं, बस इन्हीं में से आपका सवाल पूछता है वो बार बार। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया है, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाले शंकु के बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप देख रहे हैं ये एक शंकु है, ये इसकी R होती है, ये इसकी H होती है और ये इसकी L होती है। पहली बात तो L का स्केयर बराबर होता है H का स्केयर प्लस R का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि इसकी त्रिज्या जो है वो 7 है, R 7 है, ऊंचाई इसकी 24 है। तो हम L निकाल लेते हैं भाई। L वैसे तो कुछ ट्रिपलेट सीधा याद रखो, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है, 10, 24, 26 का एक ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट मोस्टली इसमें आ जाता है। और अगर कोई चीज़ें 3:4:5 में हैं तो उनका भी ट्रिपलेट होता है। जैसे कोई भुजा है मान लीजिए 32, 24 और 40, 8 + 24 = 8, 8 + 40, ये भी किसकी भुजा है, समकोण त्रिभुज की है, राइट एंगल ट्राइंगल की है। तो यहाँ पे सीधा 7, 24, देखो 7 है, 24 है, तो अगली भुजा क्या होगी ऑटोमेटिकली 25 होगी। वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझसे पूछा है कि इस पे टोटल कितनी चद्दर लगेगी आधार सहित, तो इसका मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। 22/7, आर कितना है यहाँ पे 7, आर कितना है 7 और एल कितना निकाला है 25। तो बस 7 + 7 = 7, 22 × 25 और 7 = 32, 22 × 44, 22 × 66 = 704, ये आपका आंसर होगा। टोटल इतनी चद्दर लगेगी। एक चीज और बता दे रहे हैं इसमें, अगर कोई सवाल जिसमें पाई का यूज हो रहा हो, किसका यूज हो रहा हो पाई का, चाहे वो गोला हो, चाहे आपका शंकु हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, तो आप क्या कर लेना, जो उत्तर पूछा आपसे उसको 11 से डिवाइड करके देख लेना बस। अगर 11 से डिवाइड हो जाए तो डेफिनेटली ऑप्शन वही होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है एक या दो ही ऑप्शन में आपको मिलता है वो नंबर जो 11 पे डिवाइड होता है। तो जैसे आप 11 से डिवाइड ऑप्शन से उठाओगे, 11 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 11 पे डिवाइड होगा आपका, तो यही आंसर है। बाकी ऑप्शन में नहीं है जो 11 से डिवाइड हो जाए। अगला है इसमें कि एक आयताकार खेत है, ऐसे एक आयताकार खेत है, इसके चारों ओर बाड़ लगवाने का खर्चा 600 रुपए है। खर्चा कितना है भाई 600 रुपए है, और 1 मीटर का जो खर्चा है, 1 मीटर का जो खर्चा है वो है आपका 7.5 रुपए। 1 मीटर का खर्चा कितना है 7.5 रुपए, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 मीटर। एक आयत है, चौड़ाई 24 मीटर है, इसके चारों ओर एक तार लगाई गई है, उसका टोटल खर्चा है 600 रुपए, और 1 मीटर पर खर्चा कितना आता है 7.5। देखो एक बात तो क्लियर होगी, टोटल खर्चा हो रहा है 600 रुपए, 1 मीटर तार का वैल्यू है 705। आप दुकानदार के पास गए हैं 600 रुपए लेकर के, और दुकानदार आपको कहता है कि मैं तो 1 मीटर तार 7.5 की दूंगा, तो कितनी तार लेके आए आप, तो आपको पता चलेगा 600/7.5, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या लगा दो 0, 15 × 60, 15 × 5 = 75, 5 × 8 = 40। तो यानी कि तार की लंबाई कितनी होगी भाई, टोटल तार की लंबाई, तार की लंबाई होगी 80। जो तार लगी है वो चारों ओर लगी है, यानी कि तार की लंबाई किसके बराबर होगी, आयत के, पैरामीटर के बराबर, परिमाप के बराबर।
तो परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे जो आपका परिमाप है वो 80 है, 2 इंटू लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई इन्होंने दे दी है 24। तो भाई ये 2 गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 लंबाई प्लस 24, तो ये 24 इधर घट जाएगा, ठीक है। हालांकि सॉरी ये लंबाई नहीं है, ये लंबाई दे रखी है 24, ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चौड़ाई कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है, ठीक है। तो 40 माइनस 24 बराबर है बी, तो 16 बराबर है बी। ये आपसे पूछा था कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए, तो उत्तर हो गया 16, ठीक है। हो गया, तो चलिए आगे आते हैं। एक काम की और चीज फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सीधा क्वेश्चन भी पूछता है उसमें, डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, और कई बार जेबीटी में तो सीधा पूछा जाता है कि वैल्यू क्या है। तो यहां पर आप एक सिक्वेंस लिख लीजिए ताकि आपको बदलने में कोई दिक्कत ना हो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, इनकी नंबरिंग याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनके नंबरिंग याद रखिए। 5 नंबर पे क्या है डीसीएम, 6 नंबर पे क्या है हेक्टामीटर, 7 नंबर पे क्या है किलोमीटर, 4 नंबर पे क्या है मीटर, 3 नंबर पे क्या है डेसीमीटर, 2 नंबर पे क्या है सेंटीमीटर। इस तरह से ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सवाल तो पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट में जो उत्तर पूछेगा, मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है वर्ग मीटर में, लेकिन उत्तर दिए हैं वर्ग सेंटीमीटर में, और जेबीटी में तो सीधा ही सवाल पूछा जाता है कई बार, ये डेसीमीटर इसके कितने बराबर आएगा, पीछे सवाल आया हुआ था उसमें। तो देखिए सीधा सा लॉजिक ये है भाई, अगर आपसे ये पूछे कि भाई एक डेकामीटर में, डीसीएम हिंदी में बोलेंगे, एक डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एकदम से अगर आपको नंबरिंग याद होगी तो देखो डेकामीटर किस नंबर पे है 5 पे, और मिलीमीटर किस नंबर पे है 1 पे, तो 5 में और 1 में कितने का डिफरेंस हो गया 4 का। तो इसका मतलब एक डेकामीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 5 और 1 में 4 का डिफरेंस था, तो 1 लगा के 4 जीरो चिपका दो पीछे बस, तो इसमें ये 10,000 होते हैं, क्योंकि 5 का और 1 का अंतर कितना है 4, ठीक है। हर एक में 10-10 का होता है इनमें डिफरेंस, इसमें ये 10 होते हैं, इसमें ये 10 होते हैं, इसमें ये 10 होते हैं, 10-10 का डिफरेंस है। तो इट मींस एक डेकामीटर में इनका डिफरेंस देख लेना कितना है 4, तो 4 जीरो लगा दो, डिफरेंस 5 है तो 5 जीरो लगा दो, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात, सपोज करो पूछ लिया कि एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सीधा सा लॉजिक है डेसीमीटर किस नंबर पे है 3 पे, मिलीमीटर किस नंबर पे है 1 पे, तो एक डेसीमीटर जो होगा वो 100 मिलीमीटर के बराबर होगा। समझ आई हुई बात। अब बारी आती है कि एक स्क्वायर डेसीमीटर में किसमें, 1 स्क्वायर डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर मिलीमीटर होता है। देखिए इसमें आप क्या करना, सीधा ऐसे करना आपने, एक डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, फिर कर देना 1 × 1 डेसी स्क्वायर हो जाएगा अभी ये, क्योंकि 1 × 1, तो इधर कर देना 100 × 100 और किस में बदल देना है, तो 1 × 1 1 हो गया डेसी स्क्वायर मीटर, ये कितना हो गया 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। इधर एक डेसीमीटर 100 के बराबर है, तो एक की जगह एक अगर हमें स्क्वायर करना तो क्या होता है 1 × 1, तो ये 1 किसके बराबर है 100 के, तो 100 × 100
100, इस तरह से आप उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर देना उसी नंबर से, और छोटी को बड़ी में बदलना हो तो डिवाइड कर देना। ठीक है, देखिए एक सवाल आया था, मैं जेबीटी का सवाल की बात कर रहा हूं, उसने पूछा था 80 डेस स्क्वायर मीटर किसके कितने स्क्वायर मिलीमीटर के बराबर होता है, खालिस्तान भरी है, दैट इज द क्वेश्चन विच इज गास प्रिंस जेबीटी। तो देखिए ये बदलना है हमें इसमें, है ना। अब मुझे ये बताओ छोटी यूनिट को किस में बदलना है, बड़ी यूनिट को किस में बदलना है, छोटी में। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग, मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी को बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो हजार से गुणा करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हजार से भाग करेंगे। समझ आई मेरी बात, तो इसको गुणा करेंगे, ये तो पता चल गया कि गुणा करेंगे, लेकिन किससे करेंगे। अब आपने देखना पड़ेगा कि एक डेसीमीटर स्क्वायर में एक मिलीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं। अब आपको मैंने अभी बताया है 1:1 डेसीमीटर स्क्वायर ही होता है, तो एक स्क्वायर मीटर में, एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100। तो इधर क्या आ जाएगा, 100 × 100, यानी कि कितना होगा भाई, 10,000। यानी कि एक डेसीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10,000 स्क्वायर मिलीमीटर के बराबर होता है। तो किससे गुणा करोगे, 10,000 से, तो उत्तर आ जाएगा 800,000 स्क्वायर मिलीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे कैसे बदलना है। क्यूबिक में बदलना हो तो 10,00,000 हो जाएगा, किस में बदलना हो, एक क्यूबिक डेसीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 × 100 = 10,00,000। ठीक है, और दो यूनिट जो मैक्सिमम पूछी जाते हैं उनको भी याद रखना, क्या, एक क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर के, मतलब एक टंकी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक मीटर गहरी, एक मीटर चौड़ी और एक मीटर ऊंची है, तो उसके अंदर कितना क्वांटिटी आएगी लिक्विड की, 1,000 लीटर। और एक बात और देखना, एक लीटर के अंदर 1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1,000 घन सेंटीमीटर होते हैं, जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं बदलने की। आगे है, अगला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले घनों को गलाकर बनाया जाता है, इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो, नए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक घनाभ क्यूबॉइड बनाया गया है, किससे बनाया गया क्यूबॉइड,
4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो क्यूब को पिघलाकर बनाया गया है। जब कोई चीज़ पिघलाकर दूसरी में बदल दी जाती है तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा पूछे घनों को पिघलाकर बड़ा घन पूछे, गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाए, ये इस यहाँ से सवाल आना ही आना है जेबीटी में पक्का 100% है, दो क्वेश्चन आने ही आने हैं ऐसे, बस लॉजिक सब में एक ही होगा। अगर एक बड़ी वस्तु से पिघलाकर छोटी छोटी एक जैसी बनाई गई है तो उसका फार्मूला हो जाएगा, अगर इसमें मैं एक सवाल लिखवा देता हूँ वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ये दो तरह के सवाल पूछता है बस, एक तो कोई होगा घनाभ होगा उस घनाभ से छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे, या बड़ा गोला होगा छोटे छोटे गोले बनाएंगे एक जैसे, तो उसमें क्या होगा बड़े का आयतन बटा में छोटे का आयतन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने बनाए गए हैं। दूसरा होगा इस तरह का, भई एक छोटा घन फिर उससे बड़ा घन पिघला गया, एक बड़ा घना बना दिया घन बना दिया, तो उस केस में आपने क्या करना वॉल्यूम बराबर कर देना, जिनको पिघलाकर बनाया गया है उनका वॉल्यूम एक तरफ और जो उनसे पिघलाकर बनाया गया है उनका वॉल्यूम एक तरफ, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े हों उनका वॉल्यूम एक तरफ और जो उनसे बड़ा बनाया गया उसका वॉल्यूम एक तरफ, और दोनों को बराबर रख देना सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, मैं अब इसके सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखिए इसका और इसको पिघलाकर, मतलब आपके पास क्या दिया इन्होंने, ये दिया है भाई, एक तो ये है आपका घन ठीक है, प्लस एक इससे थोड़ा सा बड़ा घन है, और इन दोनों को पिघलाया, मान लेते लोहे के हैं ये, और एक बड़ा घनाभ बना दिया ऐसे, तो यानी कि इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा ठीक है। मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, तो देखिए हम क्या करेंगे, घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम वो होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो गया कि उसकी भुजा 4 है और इसकी कितनी है 6, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 क्यूब, और इसकी भुजा इसकी जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इस लंबाई दे रखी है, देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, ये 4 का हो जाएगा 64, ये 6 का हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 80h। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, ये बनेगा आपका 16 और 64 280, और ये डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू एच। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वो बनेगा 4 आ जाएगा, और 4 पे काट दे 4 दो नहीं 8, 4 से 7/2 इज इक्वल टू एच, या इसको आप 3.5 कह सकते हो, ये तुम्हारा आंसर होगा ठीक है। इसी तरह का एक जो सवाल पूछे गए हैं बार बार, जो दो तीन सवाल पूछा जा सकता है आपसे, उसमें क्या होगा, ऐसे कहेंगे कि एक गोला है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसके अंदर से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिनकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक बड़ा गोला है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये बड़ा गोला है भाई लोहे का, इसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर, इसमें से छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं जिनकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, आपसे पूछा कितने गोले बनेंगे ठीक है, तो बस आप क्या कर देना, बड़े गोले का आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ये हो गया बड़े गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन 4/3 πr³, यहाँ पे बड़ी r आ जाएगी यहाँ पे छोटी r आ जाएगी, तो आप देख रहे हैं तो इनका तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि पाई के लिए पाई कटेगा इसके साथ ये कटेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास r³ / r³ बचेगा आपके पास, तो सीधा सा लॉजिक है, जब इस तरह का सवाल आ जाए गोले का तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्यूब बाय में इसका क्यूब, यही से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 6 × 6 × 6 और डिवाइड बाय 2 × 2 × 2, 6 × 6 × 6 बटा में 2 × 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया भाई
27 गोले बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो श्योर है यहां से प्रश्न आना ही आना है, एक नंबर यहां से आपका पक्का है। तो चलिए एरिया से हो गया, अब मैं कुछ सवाल लेता हूं परसेंटेज से। दो तीन सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिशत के, प्रतिशत के जो क्वेश्चन होंगे यहीं से आपका मोस्टली सवाल आ रहा है पिछले जितना लेस किया है। देखिए एक तो सवाल आएगा कि ए का मान बी से 20 प्रतिशत अधिक है, तो बताओ B का मान A से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है भाई, एक तो मैंने टेबल याद करवा रखी है, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, यहाँ पे 20% अधिक दिया है तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो टेबल जो होती है आपकी परसेंटेज की, उसमें आपको पता है क्या टेबल है, देखो 100% है, उसके नीचे 50% लिखवा रखे, फिर 33/3%, फिर 25%, फिर 20%, फिर 16/2/3%, फिर 14/2/7%, फिर उसके बाद है 12/1/2%, फिर 11/1/9%, फिर 10%, फिर 9/1/11% और फिर 8/1/3%, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें यह कहा जाए कि यह वैल्यू से इतने परसेंट कम है या अधिक है, तो दूसरी से कितने परसेंट कम या अधिक है, मतलब दो नंबर है आपस में रिलेशन पूछा हो, तो बस आप यहां पे देख लेना यहां पे क्या है, यहां पे क्या है अधिक, यहां पे क्या है अधिक है, तो उत्तर क्या आएगा कम आएगा, किससे, इससे, इससे कम क्या है टेबल में, ये तो ये आंसर हो गया सीधा, बस आपका उत्तर है 16/2/3%। कुछ नहीं करना आपने अगर ये फ्रैक्शंस आ जाते हैं, 20% से अगर यहां पे कम होता तो उत्तर आता अधिक, तो 20 से कम अधिक क्या होता, फिर आपका उत्तर आता 25%, ठीक है। ये है सीधा ट्रिक, बस आंसर देखा और क्वेश्चन देखा और आंसर कर दिया, ठीक है। और ये यही सवाल दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा, यहां पे ये ट्रिक दूसरे कहां जगह लगेगी, देखो अगर ये कहता है कि चाय का मूल्य 20% बढ़ गया है, चाय का मूल्य 20% बढ़ गया है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा पहले जितना ही रहे। सेम क्वेश्चन होगा, सेम सॉल्यूशन, एक तो ये उससे इतने परसेंट अधिक है, वो इससे कितने परसेंट कम है। अब देखिए एक वैल्यू अगर अधिक होगी तो डेफिनेटली दूसरे उससे कम होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी एज आपसे अधिक है तो डेफिनेटली आपकी एज मुझसे कम है, तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे भी वही चीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, कारण अगर किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, और आप खर्चा उतना ही करना चाहते हो जितना पहले करते हो, तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी। सपोज करो 400 रुपए की चीनी लेके आते हो महीने में, मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया, और आप जाते हो 400 रुपए लेके दुकानदार के पास, चीनी का मूल्य पहले से बढ़ गया है, तो दुकानदार क्या करेगा, आपको कम चीनी देगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या चीज सेम कर दी, खर्चा सेम कर दिया, ठीक है ना। और खर्चा आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, इनमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो ये इधर वाला घट जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज क्या कर दी, फिक्स कर दी। और ये मैंने क्लास में अच्छे से करवाया, और कहां कहां लगेगा, आयत का क्षेत्रफल में भी यही लगेगा, लंबाई बढ़ गई तो
चौड़ाई कम होगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में भी यही होगा, अगर लंब बढ़ा दिया तो आधार कम होगा। और क्या किस शेप में कम होगा, बस यहाँ टेबल के अकॉर्डिंग 20% बड़ा है तो उत्तर क्या आएगा, कम। तो 20 से कम क्या है टेबल में, 16 से 2/3, तो आपका उत्तर आएगा इतने कम, ये आंसर हो गया सीधा 16 से 2/3%। ठीक है, अच्छा, और बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से ऐसे करना है, देखो जो पिछला सवाल था, अगर मैं ए का मान बी से 20% अधिक था, यही था ना, बी अगर 100 है तो ये कितना है, 120 है। अब पूछा है कि ये इससे कितने परसेंट कम है, देखिए सीधा सा लॉजिक है, कितना कम है ये देखिए 20, कितना कम है 20, किससे कम है, b की वैल्यू a से कितने परसेंट कम है ये पूछा है ना, तो किससे कम है a से, तो जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आ जाएगा और गुणा में 120 + 120, 16 से 2/3%। पिछला सवाल था ये जो आप अभी लिखा था। अच्छा, और फिर अगर इसकी बात करें तो इसको कैसे करेंगे, इसका वही है भाई, प्राइस और क्वांटिटी, भिन्न कितनी है 20%, फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5। तो देखिए मूल्य 5 से क्या हो गया 6, तो क्वांटिटी 6 से क्या हो जाएगी 5, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 5 का, सॉरी प्राइस कितना है बड़ा है ना, 5 से कितना हो गया 6, ठीक है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी देखनी है आपने, एरिया निकालने की जरूरत है क्योंकि एरिया तो फिक्स है। अब यहाँ से हमारे पास 5 से क्या हो गया 6, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 6 से 5, पहले अगर 6 किलो आती थी तो अब कितनी आएगी 5 किलो, तो कितनी कम आई भाई 1 किलो कम आई, किस पे कम आई 6 पे × 100, तो वही आएगा 16 से 2/3%। लेकिन अगर इनमें से कोई परसेंटेज आ जाए तो आपको सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्राइस बढ़ रहा है, बड़ा है, अधिक है, तो उत्तर क्या आएगा कम, और किससे कम, जो यहाँ पे नंबरिंग होगी 20 से कम, जस्ट कम क्या होता है 16 से 2/3। और अगर यहाँ पे कम दे रखा हो तो उत्तर क्या आएगा अधिक, तो 20 से अधिक क्या होगा टेबल में 25, तो फिर आपका उत्तर आता 25% अधिक। अगर मूल्य 20% कम कर दिया गया तो खपत कितने परसेंट बढ़ेगी 25%। यहाँ पे जो नंबर दिया है कम दे रखा है तो इस नंबर से अधिक उत्तर होगा, अधिक दे रखा है तो इस नंबर से कम उत्तर होगा। यहाँ पे नंबर क्या है, कितना नंबर है यहाँ पे, अरे ये नंबर क्या है 20, क्या है ये नंबर 20, तो 20% है ना, तो उत्तर क्या आएगा कम है कि अधिक है, यहाँ पे कम है तो क्या आएगा अधिक आएगा, तो किससे अधिक आएगा इसी नंबर से अधिक आएगा, और इसी नंबर से अधिक क्या है टेबल में 25 बस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, और एक इसी में क्वेश्चन, इसी का पार्ट है, इसमें से या इन दो क्वेश्चनों में से हर बार पूछा जाता है, जेबीटी में तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या होगा, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 15% कम कर दी गई है, 20 कर लो चलो, 20% कम कर दी गई है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे सवाल मैं क्लास में भी करवा चुका हूं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा एक बार सारा अच्छे से। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई पे इफेक्ट दिया है, तो यहां पे लिख लो लंबाई और यहां पे लिख लो चौड़ाई, 10% का भिन्न होता है 1/10, 20% का भिन्न होता है 1/5। देखिए यहां पे बड़ा है तो 10 से क्या हो गया 11, यहां पे कम हुआ है तो 5 से क्या हो गया 4, और एरिया क्या होता है आपका
लंबाई 50 हो गया भाई और 11 चौके 44 हो गया। पहले एरिया कितना था 50, अब एरिया कितना हो गया 44, तो कितना कम हो गया भाई 6, कितना कम हुआ 6 कम हुआ है भाई किस पे 50 पे इंटू 100, 50 दूनी 100 तो आपका उत्तर आ जाएगा 12% सीधा, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक और लग सकती है, वो भी आप लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, यानी कि 10 प्लस डिक्रीज है तो माइनस कर देंगे, माइनस 20 प्लस 10 गुणा माइनस 20 बटे 100, तो 10 में से 20 गया माइनस 10, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 तो क्या कट गया भाई माइनस 2, तो आपका उत्तर आया माइनस 12, माइनस आया तो इसका मतलब कम, क्या हो गया भाई कम हो गया। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यही सवाल, इसी तरह का सवाल और कहाँ यूज होगा, वो होगा आपके इस तरह के सवाल में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इन तीन सवालों में से परसेंटेज में एक सवाल पक्का है। अगला सवाल क्या होगा, देखो ऐसे पूछेगा, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 10% कम हो हुई, तो कुल 2 वर्ष में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, तो वही लगाना आपने इसमें भी, ये भी सक्सेसिव केस है, ठीक है। तो इसमें आप x प्लस वाई का लगा सकते हो या वही लगा सकते हो जो अभी बताया था, ठीक है। तो x प्लस वाई का सीधा सा लॉजिक है, प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 बटा 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 0 के साथ 0 के साथ 0, प्लस 10 और माइनस 10 कट गया तो माइनस 1 इंटू 1 क्या आ गया माइनस 1, तो मतलब क्या हुई माइनस का मतलब कम, 1% कम होगी भाई, ठीक है। तो ये थे प्रतिशत के, अब मैं ये 2-3 सवाल ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के। तो लाभ हानि में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो 2-3 सिचुएशन है वहीं से सवाल उठाता है, दो आर्टिकल दिए जाते हैं, जैसे ये दो आर्टिकल हैं और इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों का सेम है, क्या है कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी क्या है सेम है, क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे इसको क्रय मूल्य, और इसको क्या बोलेंगे लाभ। क्रय मूल्य भी बराबर है दो आर्टिकल, और लाभ और हानि भी क्या उनपे बराबर है, तो इसका जो ओवरऑल कुल ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होगी ना हानि होगी, पहली सिचुएशन, ठीक है। दूसरा, सीपी कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होगा, प्रॉफिट एक पे हो रहा है बेचने पर 20%, दूसरे पे लॉस हो रहा है 10%, तो कुल क्या होगा ओवरऑल, तो ओवरऑल जो होगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस वो होगा दोनों का डिफरेंस बाय 2, 5%। देखिए अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा तो प्रॉफिट होगा, और लॉस ज्यादा है तो लॉस, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आपका क्या उत्तर आएगा 5% लॉस हो गया ओवरऑल, तो प्रॉफिट हो गया, और किस पे हुआ है ये, अगर ये निकालना पड़ जाए कितना प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल 4000 पे हुआ है भाई, किस पे हुआ है ये 4000 पे, क्योंकि ओवरऑल बताना है ना, तो सीपी हुआ 4000, प्रॉफिट कितना है 5%। अगर सीधा भी सवाल आ सकता है आप लोगों से तो कि एक वस्तु का सीपी 4000 है, उसको बेचने पर 5% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, तो सीधा क्या कर दोगे भाई 4000 का कितने परसेंट 5%, तो 5 चौका
20, कितना लाभ हो गया? 200 रुपए का, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा ये है कि भाई सीपी एसपी का एसपी बराबर है दो वस्तुओं का, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी क्या है, दोनों का सेम है। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरी को 20% लॉस पे सेल किया है, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये पेपर में। और कितना होगा, जो नंबरिंग है उसका स्क्वायर बाय 100, यानी कि 400/100, तो ये आएगा 4%, और ये क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, ये हमेशा लॉस होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्या होता है, अगला सवाल इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये है कि एक वस्तु